नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर की जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और काफी बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है और आने वाले समय में भी आपको इसमें बेहतरीन रिटर्न देखने मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप पूरा नहीं देखते हैं और कोई क्विक डिसीजन लेते हैं तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप में जो हम बताते हैं उसमें आपको सारे लेवल्स और टारगेट बनाते हैं और सारी स्ट्रेटेजी बताते हैं कि किस प्रकार आप इसमें अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न जो है आप यहां से ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 4900 करोड़ है और इसके बुक वैल्यू की बात करें 290 का है। बुक वैल्यू जो है 290 का है। बुक वैल्यू होता है कि अगर ये कंपनी कल शट डाउन होती है तो एक शेयर पर इतना जो है वापस मिलेगा किसी भी शेयर होल्डर को। ये जानना बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे होता है उसे ही हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कभी भी बुक वैल्यू से नीचे कोई स्टॉक आपको मिल रहा है तो उसमें जरूर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब डिविडेंड यील्ड की बात कर लें तो 0.71% डिविडेंड यील्ड है और इसके करेंट प्राइस की बात करें 2800 के आसपास इसका करेंट प्राइस है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 33.9% का कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 24.9% जो कि काफ़ी हाई है। और फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, तो फेस वैल्यू भी मैक्सिमम है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 59% का प्रमोटर्स होल्डिंग है और यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0 है, मतलब बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है क्योंकि कोई डेट नहीं है। प्रमोटर्स का होल्डिंग भी 60% है जो कि मैक्सिमम हमारे पास होनी चाहिए, 75% मैक्सिमम होता है लेकिन 60% मैक्सिमम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रमोटर्स होल्डिंग है इस कंपनी में। और नेट प्रॉफिट की बात करें 113 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है। देखिए हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी का पास रिजर्व भी 488 करोड़ का है और कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी 137 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है। अब देखिए अलग अलग चीज़ें की बात कर लेते हैं, एनालिसिस पे चलते हैं। देखिए कॉन्स, तो सिर्फ ये बुक वैल्यू से 9.70 टाइम्स पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो अच्छे स्टॉक तो आपको बुक वैल्यू से हायर प्राइस पे ही मिलेंगे। कोई भी कॉन्स इस स्टॉक में नहीं है, इसको छोड़ दें तो कोई भी कॉन्स नहीं, मतलब कोई भी निगेटिव चीज़ें इस स्टॉक में नहीं है। कंपनी काफ़ी अपने डेट को रिड्यूस कर चुका है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है। कंपनी का जो CAGR है रिटर्न का देखते हैं 59.53% का है। और अगर पीर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी जो है ये इंटरटेनमेंट सेक्टर से है और ये सेक्टर भी काफ़ी मतलब ग्रोइंग मोड में अभी है। और बात करें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का, तो कंपनी देखिए लगातार यहाँ से प्रॉफिट दिखाया है, लगभग 2012 से ही लगातार प्रॉफिट में रहा है कंपनी, कभी भी लॉस में नहीं गया था, ये भी पॉजिटिव है। सेल्स की बात करें 2010 में 112 करोड़ का था, वो सेल्स 2021 में बढ़ के हो गया 442 करोड़ का, जबकि 2020 में 521 करोड़ का था। तो थोड़ा सा सेल्स यहाँ पर डिक्रीज हुआ है 2021 के फाइनेंशियल में, लेकिन सेल्स ओवरऑल जो हमेशा इंक्रीज ही हुआ है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होते रहता है और प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हुआ है अगर हम एक लार्ज टाइम फ्रेम में देखें तो। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 12% का है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 26% का है। अगर CAGR की बात करें 46% का CAGR है प्राइस का, मतलब प्राइस का ग्रोथ देखिए 46% का, 10 साल पहले भी कोई अगर इसमें इन्वेस्ट किया था 46% का CAGR मिलता प्राइस ग्रोथ उसको, 5 ईयर्स में 58% का, 3 ईयर्स में 62% का, 1 ईयर में 547% का। तो देख सकते हैं ये 1 ईयर में तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड है, मतलब हर टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। उसके बाद शेयर कैपिटल की बात करें, इक्विटी शेयर कैपिटल 17 करोड़ का है कंपनी के पास। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है, 2010 में 102 करोड़ का था जो कि इंक्रीज होकर के हो चुका है 488 करोड़ का। बोर्डिंग की बात करें 52 करोड़ था 2010 में जो कि घट करके मात्र 1 करोड़ का हो चुका है, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो चुका है।
तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रहा है। अब कैश फ्लो की बात करते हैं तो देखिए कैश फ्लो कंपनी का काफ़ी बेहतरीन रहा है, नेट कैश फ्लो 4 करोड़ का है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लो है, इस पर आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटी से। तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी का, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का कैश फ्लो जो है लगभग पॉजिटिव रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, यहाँ पर निगेटिव जो रहा था 2017 से 2019 तक, यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी निगेटिव कैश फ्लो दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये देखिए 34% का है 2021 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। डेबिटर्स डे की बात करें तो डेबिटर्स जो डेज है, मतलब कितने दिन में कंपनी को जो अपने सामान का पेमेंट मिल जाता है, तो वो 72 डेज है। तो इसको पीर कंपैरिजन से समझा जाता है कि जो पीर्स है इसके और पीर्स का डेबिटर्स डेज क्या है। तो यहाँ देखिए पीर्स पे चलते हैं तो देखिए सारे गामा इसका जो 72 डेज है, तो इससे बहुत ही कम कंपनी है, PVR उसका कम है और ओवरऑल सभी कंपनियों का इससे ज़्यादा ही है। थोड़ा सा यहाँ पर आइनॉक्स लेजर इसका 14 डेज है, तो दो चार कंपनी है जिसका कम है, नहीं तो ओवरऑल ये कंपनी का भी जो डेबिटर डेज है, मतलब जो पेमेंट मिलता है, वो रेशियो काफ़ी बेहतरीन है। इन्वेंट्री टर्नओवर ये सेल्स के इफिशेंसी को दिखाता है, तो इसका सेल्स का जो इफिशेंसी है वो काफ़ी कम है, मतलब कंपनी का जो ये इफिशेंसी है काफ़ी कम है। ये देखिए 5-6 रहे तो काफ़ी बेटर माना जाता है, यहाँ पर काफ़ी कम है, 1 से भी कम है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर ये सेक्टर वाइज भी डिपेंड करता है, तो इसको भी आपको सेक्टर वाइज ही कंपेयर करना पड़ेगा कि इस सेक्टर के जो अन्य कंपनियां हैं उसका कितना है। अगर सबका इन्वेंट्री टर्नओवर आपको इतना ही देखने मिलता है तो फिर कोई निगेटिव चीज़ें नहीं है, कोई निगेटिव बात इस कंपनी में भी नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 59% लगभग कांस्टेंट बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। FIIs का होल्डिंग की बात करें 6.94% है, ये भी कांस्टेंट बना हुआ है। DIIs होल्डिंग 4.32% है, ये भी कांस्टेंट बना हुआ है। पब्लिक होल्डिंग 29.11% है, ये भी कांस्टेंट बना हुआ है। तो कोई भी होल्डिंग जो है उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट पर देख लीजिए मैक्सिमम ईयर में काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया। ये चार्ट यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, इस चार्ट को ध्यान मत रखिए। अब यहाँ पर देखिए 2020 के बाद देखते हैं चार्ट, तो कभी भी आप देख लीजिए ये स्टॉक कितना रिटर्न दिया, 8000% का, जो कि काफ़ी सॉलिड रिटर्न है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चार्ट थोड़ा सा रॉन्ग है, अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पर तो आपको चार्ट काफ़ी अच्छा दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है, ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस यहाँ पर फ्लक्चुएशन दिखाया आपको, उतना नहीं है। तो चार्ट जो है काफ़ी सॉलिड है और कंपनी ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न काफ़ी बार बनाया। अगर 5 ईयर्स का भी चार्ट देखिएगा तो देखिए आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी तरह का चार्ट भी आपको चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जब इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड दिखाता है कंपनी, तो जब ये अप ट्रेंड चालू होता है तो उसी अप ट्रेंड पे आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना रहता है, फिर आपको यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। तो मल्टी बैगर रिटर्न के लिए आपको इसी तरह के जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न वाले स्टॉक है उसको ढूंढना होता है, तब वहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, कि ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अब इस पे स्ट्रेटजी आप समझ लीजिए कि किस प्रकार अपनाना है। तो जब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाए तभी इन्वेस्ट करना है, अभी आप यहाँ हाइयर प्राइस पर ट्रैप होइएगा तो फिर आपके पास जो है काफ़ी मतलब पैनिक सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ 2017 में प्राइस था 883 और वहाँ से कितना परसेंट गिरावट हुआ, 76%। तो मतलब ये भी स्टॉक एक साइकिल में चलता है। अभी पैंडमिक के कारण जो मूवीज है, ऑनलाइन मूवी का जमाना है, इसलिए इस कंपनी सब में काफ़ी ज़्यादा आपको तेजी देखने मिल रहा है। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये स्टॉक जब अपना फिर से राउंडिंग बॉटम पैटर्न कभी बनाएगा, मतलब जहां पर करेक्ट लेगा, प्राइस वाइज करेक्शन हो, टाइम वाइज करेक्शन हो, उस करेक्शन को पूरा करने के बाद जब अप ट्रेंड में आएगा उस समय आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। अभी इसमें ट्रैप नहीं होना है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए अपने स्टॉप लॉस के साथ भले आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहिए वो कर सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक और शेयर करना है, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।